हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, यदि आपने भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI में ऑनलाइन एक फिक्स डिपॉजिट यानी FD किया है और आप अपने उस FD का रिसिप्ट लेना चाहते हैं, वैसे तो यदि आपने कोई ऑनलाइन FD किया है तो उसमें किसी प्रकार के रिसिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो अपने FD का रिसिप्ट अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम अपने फिक्स डिपॉजिट यानी FD का रिसीप्ट डाउनलोड करने के लिए योनो SBI का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में योनो SBI ऐप को ओपन कर लीजिए और उसमें MPIN डालकर लॉगिन हो जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं योनो SBI में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ देखिए लिखा है डिपॉजिट्स, तो हमें इसमें क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है माई डिपॉजिट्स और उसके नीचे में हमारा टोटल डिपॉजिट अमाउंट शो हो रहा है, यानी हमने यहाँ पर FD किया हो चाहे RD किया हो, सभी का टोटल अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। इस पेज को हम थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने अभी तक जितने भी FD किया है वो सभी FD यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए हमने यहाँ पर 3 FD किया है, इसलिए तीनों यहाँ पे शो हो रहा है। तो इनमें से जिस भी FD का आपको रिसिप्ट डाउनलोड करना है, उस FD के बगल में यहाँ देखिए एक एरो बना है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस FD का पूरा डिटेल शो हो रहा है, जैसे यहाँ देखिए FD अकाउंट नंबर है, नाम है, प्रिंसिपल अमाउंट, मेच्योरिटी डेट, मेच्योरिटी अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप अपने FD का रिसिप्ट दो तरीके से ले सकते हैं। यहाँ देखिए दो सिंबल बना हुआ है, एक देखिए डाउन एरो बना हुआ है, यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके इसी मोबाइल में आपके FD का रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। और दूसरा देखिए एक लेटर बॉक्स बना हुआ है, यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में जो रजिस्टर मेल आईडी है उस पर एक मेल जाएगा जिसमें आपके FD का रिसिप्ट रहेगा। तो चलिए फिलहाल हम अपने मोबाइल में ही अपने इस FD के रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ देखिए डाउन एरे पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए छोटे से प्रोसेस के बाद यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हुआ है जिसमें देखिए डाउनलोड लोकेशन दिया हुआ है, ये FD का रिसिप्ट डाउनलोड होकर हमारे मोबाइल में कहाँ पे स्टोर हुआ है। तो यहाँ से हम ओके कर देते हैं और उसके बाद बैक चलेंगे और अपने फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे और देखेंगे कि हमारे इस FD का रिसिप्ट कहाँ पे डाउनलोड हुआ है। तो हम यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं, उसके बाद अपने फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट फोल्डर है, यदि आपके मोबाइल में डॉक्यूमेंट फोल्डर ना हो तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन स्टोरेज को ओपन कर लेना है या फिर SD कार्ड को। आप पहले ही लोकेशन को वहाँ से चेक कर लीजिए, जब आपका डाउनलोड हुआ तो आपके कौन से फोल्डर में गया होगा, तो वहाँ से आप उसको चेक कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट फोल्डर पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में ये डॉक्यूमेंट फोल्डर बना हुआ है, तो हम डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर पहले ही नंबर पर लिखा हुआ है FD रिसिप्ट .PDF, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे FD अकाउंट का रिसिप्ट डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर देखिए FD नंबर है, यहाँ पर नाम है और यहाँ देखिए FD का टोटल जो है डिटेल दिया हुआ है कि इसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टेन्योर क्या है, वैल्यू ऑफ डेट क्या है, मेच्योरिटी डेट, मेच्योरिटी वैल्यू, ये सब दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग भी अपने मोबाइल से ही योनो SBI का यूज करके अपने FD का रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसको जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।